दोस्तों, क्या आप भी अमेजोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप अमेजोन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो अमेजोन के अंदर आप पहली बार अपना यूपीआई सेटअप कैसे करेंगे, जैसा मिल जाता है अमेजोन पे यूपीआई और आपको दिखाई दे रहा होगा गेट स्टार्टेड। तो आखिरकार अपने अमेजोन पे के अंदर आप अपना अमेजोन पे यूपीआई का सेटअप कैसे करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप अमेजोन पे से आप ICICI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप बाद में चेकआउट जरूर कर लेना। तो हमें यहां पर क्या करना है, अमेजोन पे का यूपीआई आपको क्रिएट करना है पहली बार। तो यहां पर मिलेगा गेट स्टार्टेड। अब आपको यहां पर गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और इसमें बताया जाता है कि आप अमेजोन से भी आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना अमेजोन पे यूपीआई का सेटअप करना होगा। तो नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड। अब आप यहां पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर बताया जाता है कि इसे साइन अप करने के लिए आपको लिंक योर बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट यहां पर ऐड करना होगा। सेट यूपीआई योर पिन, अपने बैंक का यूपीआई पिन सेट करना होगा और उसके बाद आसानी से आप अमेजोन पे यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा और अगर आप यहां पर मिलेगा हैव ए रेफरल कोड, अब आप इस पर क्लिक करके चाहो तो आप यहां पर रेफरल कोड भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोड ऐड कर लेंगे और फिर आप इसका सेटअप करेंगे तो आपको सेटअप करने का ₹50 का कैशबैक मिलेगा, जो आपको अमेजोन पे बैलेंस में मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा और फिर आप उसका शॉपिंग भी कर पाएंगे। तो हम यहां पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज आएगा। यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम यहां पर अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारा अमेजोन पे यूपीआई हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS सेंड हो जाएगा, आपका ये मोबाइल नंबर है और यहां पर आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और जिसके आखिरी के ये अंक हैं। और यहां पर मिलेगा यूपीआई पिन ऑलरेडी सेट, यानी कि मैंने अपने इस बैंक का यूपीआई पिन तो सेट कर लिया है, क्योंकि हम फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यहां पर यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे हमें फॉरगेट करने का मिल रहा है। तो आप यहां पर अपना यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहां पर मिलेगा यूज मोबाइल नंबर टू रिसीव मनी फॉर ऑलवेज और यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा आपको प्रोसीड बटन और यहां पर मिलेगा स्किप एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आपको यहां पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप एक कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अब यहां पर आपका जो अमेजोन पे यूपीआई का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप आसानी से किसी को भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे और जो पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे या आप लेंगे तो वो सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पर क्लिक करके अपना यूपीआई नंबर सेटअप कर सकते हैं और यहां पर आप क्लिक करके अपना एक दूसरा बैंक ऐड करके दूसरा आईडी भी आप अपना बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अमेजोन पे बैलेंस में अपना यूपीआई आप सेट कर सकते हैं अमेजोन पे के अंदर। यहां पर आपका यूपीआई आईडी दिखाई देगा, बैंक अकाउंट दिखाई देगा और यहां पर क्लिक करके अपना दूसरा बैंक भी जोड़ सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे कि अमेजोन के अंदर पहली बार अपना यूपीआई सेटअप कैसे किया जाता है। और हां, अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं अमेजोन ICICI बैंक का, तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर बाद में चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।